वही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ रोड शो किया। वायनाड सीट में राहुल का कड़ा मुकाबला इंडिया अलायंस में शामिल सीपीआई की एनी राजा से होगा। वही एनी राजा ने भी बुधवार को रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया है। वही भाजपा ने राहुल के खिलाफ के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी अभियान शुरू किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से की। पार्टी की प्लानिंग है कि कम से कम 8 करोड़ घरों में गारंटी के कार्ड पहुंचाए जाए। इस दौरान राहुल ने वायनाड की जनता से कहा, आपका सांसद सदस्य होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपके साथ एक मतदाता की तरह व्यवहार नहीं करता हूं, मैं आपके साथ वैसा व्यवहार करता हूं जैसा मेरी छोटी बहन प्रियंका के साथ व्यवहार है। वायनाड के घरों में मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरे पिता और भाई हैं और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। Like we do from all families, I have received love and affection. I have learned so much from my brothers, my sisters. It has been an honor for me to be your member of parliament. I don't treat you and think of you like an electorate. I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka over here. In the houses of Wayanad, I have sisters, I have mothers, I have fathers, I have brothers, and I thank you from the bottom of my heart for that.